नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल क्रिप्टो बार में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि लगभग पिछले 1-2 दिन से मार्केट लगातार डाउन जा रही है और सभी लोग घबराए हुए हैं, और घबराना भी ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों का मेहनत का पैसा और आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, और एकदम से इतना डाउन आ जाना तो घबराना बिल्कुल बनता है। लेकिन दोस्तों, इस समय आप अपना कोई भी कॉइन, कोई भी क्रिप्टो करेंसी सेल ना करें, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे ग्रो कर रही है। ऐसा ना हो कि आप उसे सेल करें और फिर जब अप हो जाए तो आप बाय करो, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका लॉस हो जाएगा। अगर आप होल्ड रखोगे तो लॉस नहीं होगा। जितने भी आपके कॉइन्स हैं, मान लीजिए आपने डॉज के या विन या BTT या WRX कुछ भी खरीदा हुआ है, मान लीजिए आपके पास WRX के अभी 100 कॉइन है, आप उनको अभी सेल कर देते हो और थोड़ी देर बाद वो कॉइन यानी कि WRX 200 रुपये का आता है या 250 रुपये का आता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसका जो 250, 300, 350 का रेट है वो इसका एक कॉमन सा रेट था, और अभी ये बिल्कुल डाउन में है। और डाउन होने के बाद ये क्या सभी कॉइन बहुत ज़्यादा डाउन होने के बाद रिकवर हुए हैं? ये देखिए, सभी का ग्राफ आप देखोगे तो बिल्कुल सेम सा आपको दिखाई देगा। 150 तक WRX गया और विन भी अभी देखो 720 पे आ गया है, जो कि अच्छे संकेत है। ये देखिए, इसका भी ग्राफ लगभग सेम है। आप BTC का देखोगे, BTC का भी सेम है। दरअसल दोस्तों, सिस्टम क्या है कि BTC ही लीडर है सारे आल्ट कॉइन्स का। जितने भी कॉइन्स हैं सबका लीडर BTC है, क्योंकि सबसे पहले जो पैदा हुआ था वो इनमें BTC ही हुआ। ठीक है, तो BTC राजा समझ लीजिए, आप लीडर समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। अगर BTC आगे बढ़ेगा तो सब आगे बढ़ेंगे, BTC अगर पीछे हटा तो सब पीछे हटेंगे। सिंपल सा फंडा है। तो अभी BTC अच्छे खासे तरीके से डाउन चल रहा है, तो इसीलिए बाकी सभी कॉइन भी डाउन है। ठीक है, यही मार्केट का रूल है, अगर कॉइन अप जाएगा तो उसे डाउन आना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों का हौसला बना रहे, आप लोग बिल्कुल भी घबराए ना। तो देखो, ये मैंने BTC का चार्ट खोला हुआ है और इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 6 घंटे पे। 6 आवर्स का चार्ट है ये और WZX का चार्ट है, तो ये आ गए हम यहाँ पे 6 आवर्स। देखो, अब ध्यान से आप देखना, या चलो इसे मैं 1 डे का कर लेता हूँ। देखो, अब मैं इसमें आपको डाउनफॉल दिखाऊंगा। देखो, ये अभी जो डाउनफॉल हुआ है ये लगभग 51 लाख से 51 लाख तक इसने टच किया, और ये गया, ये अभी है 39 लैक्स। ठीक है, ये चार्ट थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है WZX का, 39 पे, यानी कि लगभग 11-12 लाख रुपये डाउन चल रहा है ना। अभी चलो इसका पिछला डाउनफॉल दिखाता हूँ आपको। ये पिछला डाउनफॉल 21 फेब को, तो पिछला डाउनफॉल जो था लगभग वो 21 फेब को था, आप लोगों को याद होगा, जब WZX का सर्वर बिल्कुल डाउन हो गया था और आप लोग सभी सभी परेशान थे कि यही मार्केट में बाइंग करने का समय है और WZX नहीं चल रहा, हमारी पेमेंट नहीं जा रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। थोड़ा सा याद कीजिए, ठीक है। तो उस टाइम भी एक जबरदस्त डाउनफॉल आया था जो कि लगभग 44 लाख तक गया था और वापस आया था 34 तक, यानी कि लगभग 10-11 लाख का डाउनफॉल ये भी था। ये देखो, यहाँ तक आया था 33 तक, 44 से 33, तो आप कितना हो गया, 11 लाख रुपए का ये डाउनफॉल हो गया। उससे पहले एक डाउनफॉल जो आया था वो आया था लगभग 8 जनवरी को, 32 लाख से गया था 21 लाख तक, ये भी लगभग 11 लाख का डाउनफॉल था। ठीक है, तो आप अगर समझ रहे हो बात को तो बहुत अच्छी बात है, आप समझते रहना ध्यान से, और घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि BTC भी अभी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, हर एक कॉइन धीरे धीरे से रिकवरी कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा पीछे। देखो, एक डाउनफॉल आया था, ये है 9,45,000 रुपये में हमारा BTC 17 अगस्त 2020 को, और ये डाउन आया था कितना, 7 लाख तक, 2 लाख रुपये का डाउनफॉल डाउनफॉल ये है। अभी देखो, इससे ही बड़े बड़े डाउनफॉल मैं आपको दिखाऊंगा। एक ये है यहाँ पे 7,22,000 रुपये पे है, और ये सीधा कहाँ पे आया था, ये यहाँ पर आया था, ये देखो यहाँ से उठा था ये, यानी कि 3,38,000, सीधा 50% डाउन। ठीक है, अभी तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये सीधा 50% तक भी डाउन गया है और फिर आप आया है। ठीक है, ये पिछले साल कोविड के आसपास का ये ग्राफ है, तो कोविड में एकदम से डाउन आया। डाउन आने का रीज़न क्या होता है, पब्लिक एकदम से घबरा जाती है और अपना फंड जो है विड्रॉ करना शुरू कर देती है। आजकल एक दो न्यूज़ जो पॉपुलर हो रखी है कि इंडिया में क्रिप्टो बैन होने वाला है, ऐसा कुछ है, तो वो केवल न्यूज़ है, वो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये डाउनफॉल चलता ही रहता है। देखो, जब कोई भी कॉइन, कोई भी करेंसी हमारी जब भी कोई हाई जंप लगाती है तो थोड़ा बहुत डाउन आना तो देखो लाजमी बनता है,
और कुछ लोगों ने ये डाउनफॉल अभी फर्स्ट टाइम देखा होगा क्योंकि बहुत से लोग बिल्कुल नए हैं अभी क्रिप्टो में, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए, ठीक है। तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट कीजिए, अपना कोई भी कॉइन आप सेल मत कीजिए। अगर आप सेल कर भी रहे हो, देखो अगर आपको लगता है कि ये डाउन जाएगा या विन अभी 719 पे है और ये डाउन जाएगा, तो आप 25% सेल कीजिए, और जैसे ही हल्का सा नीचे आता है, 710 आता है या 700 आता है, तो उस 25 का उसको बाय कर लीजिए। पूरा का पूरा सेल मत कीजिए, थोड़ा दिमाग से खेलिए। अभी होता क्या है, देखो जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा WRX पे चलते हैं, चलो। देखो जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो खरीदते हैं डाउन पे, ठीक है, या तो शुरू में ही खरीद लेंगे और लॉन्ग टाइम के लिए कर देंगे होल्ड, ठीक है। मेरे पे WZIRX जब से लॉन्च हुआ है तब से होल्ड है और अभी तक होल्ड है, ठीक है, और मैं इसको होल्ड ही रखूंगा क्योंकि मुझे पता है WZIRX एक बहुत बड़ा ब्रांड है और इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, और इसको मैं होल्ड ही रखूंगा, इसको मैं सेल नहीं करूंगा किसी भी कीमत पे, ठीक है। इसको होल्डिंग का मेरा जो टारगेट है वो अगले 2 साल तक का है, क्योंकि मुझे पता है WZIRX बहुत आगे जाएगा, WRX कॉइन बहुत आगे जाएगा, तो इसीलिए मैं इसे कम से कम 2 साल और होल्ड रखूंगा। और रही बात विन BTT या TRX या और जितने भी कॉइन हैं, तो देखो विन और BTT अभी बहुत डाउन पे है। आप विन और BTT की छोड़ो, अभी हर एक कॉइन बहुत डाउन पे है, लगभग हर एक कॉइन 20%, 30%, 18%, 24%, इसी तरह से सब सब के सब कॉइन डाउन चल रहे हैं। तो उसमें आप ये मत देखिए कि BTT डाउन हो गया या हम तो ये हो गया, हमें तो ये हो गया, हमने तो विन खरीदा था, हम तो बर्बाद हो गए, ऐसा नहीं है, सारे के सारे कॉइन बिल्कुल डाउन चल रहे हैं। तो आप देखिए पेशेंस बनाए रखिए, आप इसको एक दो दिन ध्यान ही मत दीजिए मार्केट पे। होता क्या है कि जब हमारा ध्यान पूरा मार्केट पे रहता है, ग्राफ पे रहता है, डाउन हो रहा है, तो हम घबरा जाते हैं। तो आप थोड़े दिन के लिए इसे भूल जाइए, ठीक है, और बाय और सेल की सलाह किसी को नहीं है, अपने अपने दिमाग से चलिए, ठीक है। आपको अगर ठीक लगे तो बाय कीजिए और ठीक लगे तो सेल कीजिए, मैं किसी को भी बाय और सेल की सलाह नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। और जहाँ तक तो उम्मीद है कि लगभग हफ्ते 10 दिन में मार्केट बढ़िया तरीके से ऊपर आएगी, ठीक है, ये कुछ ही दिन का डाउनफॉल होता है और ये होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर एक ही दम से लगातार मार्केट अप जाती रही तो फिर सिस्टम गड़बड़ा जाता है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस चलते रहना चाहिए, तभी मज़ा आता है। अगर खाली प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता रहेगा तब भी मज़ा नहीं आएगा, खाली लॉस ही लॉस होता रहेगा तब भी मज़ा नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होते रहने चाहिए, सुख और दुख दोनों होने चाहिए जीवन में, तभी जीवन का मज़ा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। जी।